मास्टर मैक्रो, आज मैं आपके लिए डुप्लीकेट का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट छोड़ दिया था गुड पर, तो उससे आगे हम लोग चलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पर गुड की जगह कोई आइकॉन लेके आ जाता हूँ, तो मैं आइकॉन ला सकता हूँ। अगर आप मैक में हैं तो आप शिफ्ट कमांड करके स्पेस करें, और अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप विंडो डॉट आई करें, तो आपके पास एक आइकॉन पॉप होगा। अगर आप अगर शॉर्टकट की यूज़ नहीं करना चाहते तो द इमोजी एंड सिंबल है जो हम लोग चाहते हैं, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आइकॉन आ गया, यहाँ पर आइकॉन आ गया। आप इसमें आप कोई सा भी आइकॉन चूज करके क्लिक करें, और फिर यहाँ पर जाकर एंटर कर लें तो ये आइकॉन आ गया। बट ये एक जगह है, इसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये बाकी जगह पे भी ये आइकॉन आ गया आपके पास। हम लोग आगे चलते हैं, और अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे डुप्लीकेट वैल्यू डुप्लीकेट रोज मुझे हाईलाइट करके एक सेपरेट कॉलम में दिखानी है, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा? तो मैं इस तरह दिखा सकता हूँ, सेपरेट डुप्लीकेट रोज सेपरेट कॉलम्स बाय यूजिंग फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग कोट्स लिखेंगे, कोट्स के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था क्वांटा, अगर आपको याद होगा क्वांटा फॉर्मूला लगाया था, और हमने ये आ गया हमारे पास फॉर्म, ठीक है। और अब हमें सेपरेट चाहिए, तो हम लोग अब फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर फॉर्मूला और कॉन्ट एफ फॉर्मूला। ये हमारा टेबल हो गया, मैं ड्रैग डाउन कर दिया, हमारा टेबल हुआ। कॉमा किया हमने, यहाँ पर काउंट एफ लगाया मैंने, और यही मेरा प्ले हुआ, यही मेरा कैटेगरी होगी मेरी। और फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया हमने, और फिर इसके बाद हम लोग ग्रेटर देन वन करेंगे, इसे ग्रेटर देन वन करेंगे, और फिर कॉमा लगाकर हमने ये छोड़ दिया हमने। अगर ग्रेटर देन वन है तो हमें वैल्यू दे, अगर ग्रेटर देन वन नहीं है तो हमें कोई वैल्यू नहीं दे। तो क्लिक करके हमने एंटर किया तो हमारे पास दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, और ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही। अगर हमारे पास तीन चार वैल्यूज और होती तो हम इसके बाद हम लोग सॉर्ट फंक्शन भी लगाते। सिंपल मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ सॉर्ट फंक्शन भी। और एंटर करूँगा तो मेरे पास चार वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इन चार वैल्यूज़ को मैं सॉर्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर
फंक्शन अप्लाई करूँ तो यहीं पे मैं सॉर्ट फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। SORT सॉर्ट फंक्शन मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सॉर्ट फंक्शन बेसिकली आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ये करता है। मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ये करना है तो मैं इसे यहाँ पर ग्रेटर करूँगा और वन करूँगा। अगर हम ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो मैं माइनस वन करता और मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये 450 पीके 450 पहले आ रहे हैं और फिर पीके 459 बाद पे आ रहा है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर मैं यहाँ पर आपको चाहूँ कि मैं तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट डिलीट करके दिखाऊंगा तो डायरेक्टली डुप्लीकेट हो सकता है। उसके दो चीज़ें दिखाऊंगा आपको, एक फॉर्मूला से जो जो कि Excel 365 में है, और अगर आप Excel 365 नहीं है तो आप बिंग के सर्च इंजन में आके आप एक एक्सेल वहाँ पे यूज़ करेंगे तो वहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो लेटेस्ट एक्सेल वहाँ पर है पड़ा हुआ और फ्री टू यूज़ है वो। सेकेंड जो मैं बताऊँगा आपको वो हर एक्सेल की शीट में होता है तो मैं आपको सबसे पहले रिमूव डुप्लीकेट करना सिखाऊंगा जो डेटा में होता है हमारा। बस मैं आपको यहाँ पर कॉपी करके दिखा देता हूँ ये ताकि आपको चेंजेस का पता चले कि क्या क्या चीज़ चेंज हो रही है हमारी और फिर आप बेटर एनालिसिस उसका कर पाएँ। अगर मैं हाईलाइट यहाँ पर करता हूँ और डेटा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप रिमूव डुप्लीकेट्स का, अगर मैं रिमूव डुप्लीकेट्स करता हूँ और ओके यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पर देखें यहाँ पर डुप्लीकेट थे, मेरे पास दो डुप्लीकेट थे, एक ही डुप्लीकेट था जो था ये जो आपको मैंने दिखाया सनदार वो ही डिलीट हुआ। और अगर मैं आपको इसे फॉर्मूला से करके दिखाऊं तो फॉर्मूला इसका होगा यूनिक यूनिक इसका फॉर्मूला होगा तो ये यूनिक आ गया यहाँ पर। और फॉर्मूले में हम ये पूरा का पूरा ये टेबल इंसर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर और उस ब्रैकेट करके एंटर कर देंगे, हमारे पास ये टेबल आ गया। अब टेबल और रिमूव डुप्लीकेट का फर्क क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे हाईलाइट करके इसे कॉपी करके यहीं पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ तो कोई चेंजेस नहीं आए, कोई चेंजेस नहीं आए इसमें। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ तो देखें यहाँ पर चेंज आया मेरे पास फॉर्मूला में, बट रिमूव डुप्लीकेट में मेरे पास कोई चेंज नहीं आया। ये दो तरह से डुप्लीकेट्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इसी तरह से भी रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट्स को। हाँ पावर क्वेरी में आता है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। जब तक
कि आप ये चीज़ें समझ लें और प्रैक्टिस कर लें, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बार बार लाते रहूं। अभी तक के लिए बाय।